सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए और सबसे पहले पाइए लेटेस्ट न्यूज़ हमारे चैनल पे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पारी गुरु में। आज हम आपको बताएं कि आप अपने आधार कार्ड के थ्रू पैन कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप 3 दिन के अंदर आधार कार्ड के थ्रू आप पैन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको चाहिए अपना आधार कार्ड और उसके अंदर आपको मोबाइल नंबर लिंक होना कंपलसरी है। मोबाइल नंबर जो लिंक होगा उसके ऊपर OTP जाएगा, उस OTP को आप ऑथेंटिकेट करके अपने आधार कार्ड के थ्रू आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मात्र 72 घंटों में, मतलब 3 दिन के अंदर आप अपना पैन कार्ड का नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले NSDL की साइट पर जाना है, उसमें अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। उससे आगे का प्रोसीजर हम आपको यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, कृपया ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपने NSDL की साइट खोली है, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन में जाएंगे, यहाँ पे न्यू पैन अप्लाई करेंगे। आप क्या करेंगे, न्यू पैन अप्लाई, करेक्शन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी में आप चूज करेंगे इंडिविजुअल, उसके बाद टाइटल में आप क्या चूज करेंगे, जैसे मिस्टर या मिसेज जो भी चूज करना चाहें, श्री या श्रीमती, ठीक है। इसके बाद आप इसके अंदर से नाम डालेंगे, जैसे लास्ट नेम में क्या आएगा, यदि किसी का नाम सिर्फ क्रिश्चन है तो आप क्रिश्चन डाल दोगे लास्ट नेम में, और यदि फर्स्ट नेम जैसे कृष्ण कुमार हो तो आप लास्ट नेम में क्या डालेंगे, जैसे कुमार, और फर्स्ट नेम में क्या डालेंगे, कृष्ण। और अब उसके बाद आप डालेंगे इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद क्या डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का आप नीचे इसका मेन्यू खुल जाएगा या आप वैसे भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको डालना है इसके अंदर ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर भी डालने हैं, ठीक है। कैप्चा कोड भी आपको दिखा रहा है। हम आपको ये प्रोसीजर बहुत ईजी वे से सिखाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमने लंबा बनाया है वीडियो, वैसे इतना लंबा नहीं है। हमने इसके अंदर मेल आईडी डाल दी, अब आपको ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐसे ही किया गया है क्योंकि किसी की पर्सनल चीज़ें ऐसे शेयर करना ठीक नहीं है। ये आपको सिर्फ एक एग्जांपल के लिए हमने सिखाया है, ठीक है। तो इसमें अंदर आपने हमने मेल आईडी डाल दी है जैसे, ठीक है, और नाम डाल दिया है, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल रहे हैं, मोबाइल नंबर डाल देंगे जिस भी बंदे का आपका जो मोबाइल नंबर है। हम इन चीज़ों को सबको थोड़ा थोड़ा हाइड कर रहे हैं क्योंकि पर्सनली चीज़ें हम यूट्यूब पे शेयर नहीं करेंगे। और उसके बाद आप देख लें कैप्चा कोड जो है ये दिखा रहा है BPU वाला जो है, ये हम इसके अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देख लें कि ये हम कैप्चा कोड इसके अंदर डालने जा रहे हैं, कैप्चा कोड डाल रहे हैं हम, ठीक है। तो देख रहे हैं ये, जैसे आपने देखा कि हमने कैप्चा कोड डाल दिया है, उसके बाद से प्रोसीजर हो रहा है, जैसे प्रोसीड कर रहा है। अब आपका देखिए यहाँ पे अब टोकन नंबर आ गया है, तो ये पहला स्टेप जो आपका था वो यहाँ पे क्लियर हो चुका है। पहला स्टेप क्या था, आपने अप्लाई किया, आपको टोकन नंबर मिल गया है, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं जैसे हमने रेडिंग में दिखाया है। उसके बाद आप नेक्स्ट में चलेंगे तो उसके अंदर जैसे आपका दिखा रहा है क्या क्या ऑप्शंस आपके यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको दिखा रहा है जैसे गाइडलाइंस है, पर्सनल डाटा है, कॉन्टैक्ट डिटेल है, इस टाइप से ये सारे ऑप्शन इसके अंदर आपको शो कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर आप सबसे पहले क्या डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे, सबसे पहले क्या डालेंगे, आधार नंबर, क्योंकि आधार नंबर से ही हमें ये डाटा बनाना है पूरा कम्प्लीटली, हम सिर्फ आधार नंबर से लेंगे ये डिटेलें। तो इसके अंदर आप देखते जाइए, जैसे आधार नंबर आ गया तो उसके बाद हमने नाम डाल दिया था, जैसे डेट ऑफ बर्थ आ गई थी, इसके बाद मेल फीमेल का ऑप्शन आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर में इसमें कुछ नहीं डालना है आपको, और यदि आपने नाम चेंज किया तो आप वो भी डाल दीजिए। अब फादर नेम डाल दीजिए, फादर नेम आपको डालना कंपलसरी है, मदर नेम ऑप्शनल है, यदि मदर नेम भी आप डालना चाहें तो उसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, जैसे हमने इसमें नाम डाल दिया है, फादर नेम भी डाल दिया है, उसके बाद मदर नेम है ऑप्शनल, यदि मदर नेम डालना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट करते जाइए आप, और सेव ड्राफ्ट जरूर करते रहिए आप, इसके अंदर क्या करते रहेंगे, सेव ड्राफ्ट जरूर करेंगे, क्योंकि आपका लंबा टाइम लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएंगी ये चीज़ें जो आपने सेव की हैं। अब उसके बाद ऑप्शन आ रहा है कि मतलब प्लीज़ क्लिक ऑन, मतलब किस ऑप्शन, मतलब किसकी वजह से आपको सैलरी, किस ऑप्शन, मतलब सैलरी कैसे मिल रही है आपको, जैसे इनकम का सोर्स क्या है आपका, तो उसमें आप दिखा सकते हैं, नो इनकम भी दिखा सकते हैं और कुछ भी दिखा सकते हैं। एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, रेजिडेंशियल या अदर, रेजिडेंशियल एड्रेस डालिए आप इसके अंदर, ठीक है। फ्लैट नंबर वगैरह आपको कुछ नहीं डालना है, क्योंकि जितनी भी डिटेल्स हैं वो सिर्फ आधार कार्ड से आपको उठाएंगी,
इस प्रोसीजर के अंदर सिर्फ आपको आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो पहले आप वो लिंक करवाइए, और आपको किसी भी ऑप्शन के अंदर इसके अंदर कुछ नहीं डालना है, सिर्फ आपने नाम डाला, फादर नेम डाला, डेट ऑफ बर्थ डाल दिए, नाम, डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम उसके अंदर आधार कार्ड के अंदर मैच होना चाहिए। अब इसके अंदर हम डालें टेलीफोन नंबर, जैसे इंडिया चूज कर लिया हमने और वो टेलीफोन नंबर है ही ऑलरेडी, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या डालना है, सिर्फ नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, वो सारी चीज़ें आधार कार्ड के अंदर मैच होनी चाहिए। क्रॉस चेक करेगा ये, उसके बाद ही आगे आपका काम होगा। तो सिर्फ आधार कार्ड से ही एड्रेस उठा लेगा, आधार कार्ड का जो एड्रेस है वही एड्रेस उठाएगा, वही फ़ोटो उठा लेगा। आपको फ़ोटो लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट फिजिकली भेजने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत ही इजी एक तरीका है। इसमें देखिए अब नीचे आ रहा है अपना हेल्प एओ कोड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें। नेक्स्ट चले गए थे हम हेल्प एओ कोड में, डिस्ट्रिक्ट हरियाणा और डिस्ट्रिक्ट हम जैसे नारनौल चूज़ कर रहे हैं अभी, तो नारनौल के अंदर एओ कोड दो दिखाए, वार्ड नंबर एक, वार्ड नंबर दो। तो इस टाइप से इसमें से कौन सा भी चूज़ कर लीजिए आप, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने एओ नंबर फर्स्ट ऑप्शन वाला चूज़ कर दिया, उसका नेक्स्ट कर दिया हमने। जिससे नेक्स्ट करने के बाद आ रहा है आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे ये दिखा रहा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आधार कार्ड, और अच्छा प्रूफ ऑफ एड्रेस भी आधार कार्ड, और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ भी आधार कार्ड। उसके बाद नीचे नाम आ रहा है, हिमसेल्फ कर दीजिए या रिप्रेजेंटेटिव असेसमेंट, इसमें आप हर हिमसेल्फ या हर सेल्फ कर दीजिए कि आपने खुद ने ही अप्लाई किया है। उसके बाद प्लेस आपने डाल दिया, जैसे नाल डाल दिया, डेट हमने डाल दी जैसे 7/9/2017। उसके बाद जैसे आप इसको सबमिट कर दीजिए, सबमिट कर दिया जैसे आपने, उसके बाद आपका नेक्स्ट चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया, जैसे आधार नंबर दिखा रहा है आपको, जैसे नाम, डिटेल्स, सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे ये चलता जा रहा है, आप देख रहे हैं कि जैसे जो जो ऑप्शन आपने भरे हैं वो आप चेक कर सकते हैं। जो फिल किए हुए ऑप्शन है वो आप इजीली इसमें चेक कर सकते हैं। नाम भी आ जाएगा, फादर नेम भी आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ भी आ जाएगी। हम इसके अंदर दोस्तों आपको पूरा प्रोसेस सिखा रहे हैं, कैसे कैसे आप स्टेप बाई चलना है। फिर भी किसी में आपको दिक्कत है तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, या कोई आपकी क्यूरी है तो आप हमें कॉमेंट में डाल सकते हैं। तो ये हमने दोबारा से चेक कर लिया, जैसे जो भी फॉर्म फिल किया था हमने सारा क्रॉस चेक कर लिया, धीरे धीरे हम चेक कर रहे हैं। ये आपकी सुविधा के लिए हम दिखा रहे हैं स्लोली स्लोली। इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, हमने आधार नंबर ऐड कर दिया है बंदे का, और मोबाइल नंबर ऐड कर दिया क्योंकि वो हम आपके साथ शेयर नहीं करते। बाकी चीज़ें हैं वो ऐसी कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए हमने इसका यूज़ किया है। अब जैसे कॉन्टैक्ट अंदर डिटेल्स थी, सारी चीज़ें हमने क्रॉस चेक कर ली हैं, ठीक है, सारी चीज़ें क्रॉस चेक कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स भी दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट्स की हमें कोई नीड नहीं है। आधार कार्ड को उठा रहा है, इसमें है ई साइन इन, ई साइन और ई के वाई सी। ई के वाई सी के अंदर भी आपका वही ऑप्शन है, और ई साइन के अंदर भी आपका वही ऑप्शन आएगा। इसके आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट नहीं भेजने पड़ेंगे, तो आप क्या करेंगे, ई साइन करेंगे, ठीक है। ई के वाई सी कर लीजिए, ई के वाई सी पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप पे जैसे यह एन एस डी एल ई साइन ई गवर्नमेंट साइन चार्ज 5.90, तो आपको 5.90 रुपये ज़्यादा लगेंगे जब आप चार्ज इसकी पेमेंट करेंगे, लेकिन आपसे इसको फिजिकली डॉक्यूमेंट भेजने नहीं पड़ेंगे। तो ये आपने प्रोसीजर से आपने ये ऑप्शन चूज कर लिया है, और हिमसेल्फ एक्स्ट्रा कर अब प्रोसीड कर दिया, आप पूरा स्टडी आउट करके प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे प्रोसीड पे आपने क्लिक कर दिया, आगे अभी इससे प्रोसेसिंग चल रही है, आगे प्रोसेसिंग चल गई है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ रही है। अब आ रहा है ऑप्शन, इसे डिमांड ड्राफ्ट से आप पेमेंट करेंगे या ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। इसके अंदर एक चीज़ दिखा रहा है कि ऑनलाइन भी आप पेमेंट करते हैं तो 115.90 रुपये आपके चार्ज हैं, और ये रिफंडेबल नहीं है, ये चार्ज आपके कट गए, और आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको परेशानी हो सकती है, ये पैसे रिफंड नहीं होंगे। उसके बाद आइए एग्री करके प्रोसीड फॉर पेमेंट, अपने प्रोसीड फॉर पेमेंट करके आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अभी ऑप्शन आ गया आपका जैसे 115.90 रुपये, ट्रांजेक्शन आईडी आपकी आ गई है। अब आप इसको यदि पे कंफर्म कर देंगे तो ये अगले स्टेप पे जाएगा कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं। इसमें आपने जैसे अभी ये जैसे घूम रहा है आपका प्रोसीजर आ रहा है कि किसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं। इसमें ऑप्शन आ गया क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, या वॉलेट या कैश कार्ड है। हमने जैसे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन चूज कर लिया, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हमने इसके अंदर डाल दी थी। उसके बाद हम प्रोसीड कर रहे थे तो नेक्स्ट में ये पहुँच गया है। अभी जैसे OTP आ रहा है, जैसे क्रेडिट कार्ड के ऊपर OTP आ रहा है, 118.90 रुपये आपको ये दिखा रहा है चार्जेस, ठीक है। तो ये आपका चार्ज कटेगा, तो हम OTP जैसे अभी आने वाला है तो OTP हम डाल देंगे इसके अंदर, उसके बाद सबमिट कर देंगे। आपके लिए ये प्रोसीजर रहेगा इतना, जिसे इसके अंदर आप डालते रहेंगे, ठीक है। OTP डालेंगे आप, सबमिट कर दीजिए। OTP डाल के आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद क्या जैसे प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है, आपकी प्रोसेसिंग हो रही है, और आप देख रहे हैं कि वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स
ये ऐसे तो चलता है, सभी को पता है। आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो थोड़ा टाइम ले लेता है, नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है और सर्वर पे भी डिपेंड करता है, बैंक के सर्वर पे भी और आधार कार्ड की साइट के सर्वर पे भी डिपेंड करता है कि कितना टाइम ये लेता है। तो इस टाइप से आप देख रहे हैं प्रोसीड हो रहा है, सारी कंप्लीटें होने के बाद आपको क्या आएगा, जैसे आपका कंप्लीट हो गया अभी प्रोसीजर, कंप्लीट होने के बाद आपके पास ये मैसेज आ रहा है अभी स्क्रीन के ऊपर, आप देख पा रहे हैं कि वेटिंग दिखा रहा है अभी, तो अभी जैसे आ गया है ये आपका आ गया ट्रांजेक्शन आईडी सक्सेसफुल दिखा दिया आपका, जैसे सक्सेस दिखा दिया है, पेमेंट के अमाउंट की डेट दिखा दी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें शो कर रहा है आपकी, ठीक है। ये चार्जेस जो कटे थे वो दिखा दिए, 115.90 रुपये जो 3 रुपये और कटे वो आपको नहीं दिखाई इसने। अब आप इसको कन्फर्म करके कंटिन्यू कर सकते हैं, तो अभी आपने देखा कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए, कंटिन्यू पर आपने क्लिक कर दिया है, कंटिन्यू पे कि जैसे क्लिक करेंगे आप उसके बाद अगले प्रोसीजर पे जाएगा, उसके बाद क्या आएगा ऑथेंटिकेशन। अब इसके बाद क्या आएगा ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेट कीजिए या कंटिन्यू कीजिए, ऑथेंटिकेट पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद ही आप क्या होगा ओटीपी जाएगा। ऑथेंटिकेट पे जो ही आप क्लिक करेंगे तो आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक है उसके ऊपर क्या जाएगा ओटीपी जाएगा आपका। अभी जैसे आप देख रहे हैं कंटिन्यू का ऑप्शन और एक ऑथेंटिकेट का, तो आप किस पे क्लिक करेंगे, आई एग्री करेंगे स्टेटमेंट पे पहले ऊपर, उसके बाद किस पे क्लिक करेंगे ऑथेंटिकेट पे। ऑथेंटिकेट पे क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर क्या जाएगा ओटीपी जैसे चला जाएगा। अभी थोड़ा टाइम दे रहे हैं, हमने आपको दिखाया कि ये स्टेटमेंट आप पढ़ के फिर आप इसको एग्री कीजिए, तो ये आपका ऐसे चल रहा है। तो इस टाइप से आप देख रहे हैं बहुत ही ईजी तरीका है ये आधार कार्ड से आपका पैन कार्ड बनाने का। पैन कार्ड में काफ़ी टाइम लगता था, 1 महीना लग जाता था, 2 महीने लग जाते थे और रिजेक्ट भी हो जाता था। इस प्रोसीजर में आपका रिजेक्ट भी नहीं होगा और ऑथेंटिकेट भी हो जाएगा। ऑथेंटिकेट पे आप क्लिक कर देंगे, ओटीपी डाल देंगे आप, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, जैसे ऑथेंटिकेट पे हमने क्लिक किया है तो 1 टाइम पासवर्ड आपका पहुँच गया है। अब हम जैसे कंटिन्यू विद eKYC या eSign, ये दोनों ऑप्शन एक ही हैं, इस पर ये ऑप्शन है, इस पर कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। उसमें के बाद आपको क्या दिखा रहा है कि ओटीपी वाज सेंड टू द मोबाइल नंबर या ईमेल रजिस्टर्ड विद यूआईडी एंड वैलिड फॉर 10 मिनट्स। आपको 10 मिनट के लिए वैलिड है, आप ओटीपी डाल रहे हैं, जैसे हम ओटीपी जैसे डाल देंगे इसके अंदर। ओटीपी डालने के बाद हमें क्या करना है, आपने सही ओटीपी डाली तो आप उसको मतलब क्या कर दीजिए सबमिट कर देंगे। ओटीपी डालने के बाद आप सबमिट करेंगे, ठीक है। अभी जैसे हम ओटीपी डाल रहे हैं, ओटीपी हमने डाल दिए, इसमें आपको ज़्यादा क्लियरिटी नहीं दिख रही है, क्लियरिटी सिर्फ दिखने का रीज़न सिर्फ यही है कि आपके साथ जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो शेयर नहीं कर सकते, आपको सिर्फ नॉलेज के लिए हमने ये प्रोसेस सारा समझाया है। अब उसके बाद सबमिट के बाद एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, एक्नॉलेजमेंट जैसे हो रही है इसमें लिखा रहा है थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर पैन एप्लीकेशन, इफ़ यू हैव डिजिटली सेंड योर एप्लीकेशन यूजिंग एक eKYC या eKYC देन देर इज़ नो नीड टू फॉरवर्ड दिस फॉरवर्ड फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन। तो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भेजने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्लियर इसने मैसेज दिखाया है। इसके बाद आप 3-4 दिन के बाद आप जब ट्रैक करेंगे तो आपका पैन नंबर आपको शो कर देगा, और पैन नंबर शो किससे करेगा, आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर जो ऊपर लिखा आ रहा है अनडैश करके जो आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर आ रहा है वो आपका क्या है एक्नॉलेजमेंट नंबर, उससे आप सर्च करते हैं। तो ये बहुत ईजी प्रोसीजर है, तो इससे आप इजीली आधार कार्ड बना सकते हैं। धन्यवाद। जैसा कि आपने सभी ने देखा कि हमने ऑनलाइन आधार कार्ड के थ्रू पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है, अब सिर्फ आपको क्या चाहिए, ये टोकन नंबर चाहिए, उससे आप सर्च कर सकते हैं और उससे आपको देखना कि आपको बेहतर घंटे से मतलब 3 दिन के अंदर आपको पैन कार्ड का नंबर मिल जाएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका था जिसके थ्रू कि आप आधार कार्ड के थ्रू पैन कार्ड बना सकते हैं। इसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए और इसमें क्लियरली मेंशन है कि आपको कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करना है। इसके अंदर ये एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें किससे उठाएगा, आधार कार्ड से उठाएगा। यदि आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को नीचे रेड बटन पर क्लिक करके, और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो चुके हैं कि वो आधार कार्ड के थ्रू भी पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।